वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। तो आज की हमारी रेसिपी है वेजी चीज़ सैंडविच, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेजी चीज़ सैंडविच। तो यहाँ पे जो है वेजी है, तो इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स जाएंगे। तो सारे वेजिटेबल्स हमने कट कर लिया है और ये चीज़ के स्लाइस है और ब्रेड है। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम मिक्स करेंगे सारे सब्जियों को, आलू को। तो आलू हमने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें जो है सारी सब्जियां हम डालेंगे। तो सब्जियों में जो है बीन्स को और मटर को हमने नमक देके बॉईल कर लिया था। अब ये बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज है, बारीक कट किया हुआ। बारीक ज़रूर कट कर लीजिएगा, तभी जो है अच्छे से मिक्स होगा, इसका टिक्का बहुत टेस्टी तैयार होगा। तो ये बॉयल बीन्स है, बारीक कट किया हुआ है, हल्का सा बस बॉईल कर लिया है। बीन्स को तो बॉईल ना भी करें तो चलेगा, मगर मटर को ज़रूर बॉईल कर लीजिएगा। अब ये टमाटर है बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का, अभी तो टमाटर बहुत महंगा है, और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। और इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी, कैबेज जाएगा। तो कैबेज को हमने कद्दूकस कर लिया है, छोटा सा है, एक टेबल स्पून के करीब है, छोटा सा टुकड़ा हमने बस कद्दूकस कर लिया। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत हो जाएगा। और ये जो है वैसे ही है, एक से दो टेबल स्पून के करीब जो है आप मटर के दाने डाल दीजिए। तो बॉईल किया हुआ है ये, और ये कद्दूकस किया हुआ गाजर है, इसको भी कद्दूकस कर लिया हमने है। और ये है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को ही बारीक कट कर लेंगे, इसको कोई बॉईल नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन है मटर को। अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे एक टीस्पून डाल दिया ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून, और लाल मिर्ची एक टीस्पून जाएगा इसमें, हरी मिर्च भी हमने डाल दिया है। और इसमें गरम मसाला जो है हाफ टी स्पून डालेंगे, और हल्दी पाउडर थोड़ा सा, एक चम्मच का छठा हिस्सा थोड़ा सा डालेंगे। अब जो है यहाँ पे चाट मसाला एक टीस्पून भर के डालेंगे। हल्दी हमें खाने में यूज़ करना चाहिए, हल्दी बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा भी यूज़ करते रहना चाहिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए हम हाथ से मिक्स करेंगे, तभी अच्छे से मिक्स होगा, सारी सब्जियां जो है आपस में घुल मिल जाएंगी। खूब दबा दबा के इनको मिक्स करके इनका टिक्का भी तैयार करना है। तो हाथ से इसे इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलिए, एक ट्रे में हमने डाल दिया है खसखस, यानी कि पोस्ता दाना, पॉपी सीड स्प्रिंकल करके रख दिया है, ताकि जो हम वेजी टिक्का बनाएंगे तो इसमें अच्छे से लग जाए, और ये हेल्दी भी होगा। और पॉपी सीड को भी हमें अपने खाने में यूज़ करना चाहिए, किसी तरह से भी, बहुत कम हम यूज़ करते हैं, तो किसी तरह से भी यूज़ करना चाहिए। अब इस तरह से हमने सारे वेजी टिक्के को रेडी कर लिया है। चलिए अब इसको जो है हम सेक लेंगे, तवे पे सेकेंगे। तो हमने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया, इसमें दो टीस्पून ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल है। अब ये तवा जब गर्म हो जाएगा, इसमें अच्छे से तेल हमने फैला लिया है ताकि चारों तरफ लग जाए, ये बहुत प्यारा सा कलर आए टिक्के का। अभी तवा गरम है, तो एक एक करके सारे टिक्के हम तवे में फैला देंगे, और मीडियम फ्लेम, मीडियम से सिम फ्लेम पे इसको जो है गोल्डन एकदम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। एक से दो मिनट लग जाएगा, तो फिर दूसरी तरफ पलट के फिर सेकेंगे, और सारे टिक्का हमारा रेडी है। तो आप चाहें तो इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, मगर एक से दो दिन ही, ज़्यादा दिन नहीं रखते, क्योंकि आलू का जो है ख़राब हो जाता है, पानी छोड़ देता है। अब चलिए जी, सेट कर लेते हैं सैंडविच। तो हमने ब्रेड ले लिया, ब्रेड के स्लाइस। अब इसमें जो है हमने जो है हरी धनिया की चटनी डाल ली थोड़ी थोड़ी, तो जैसे आपको पसंद हो वैसे इसको सेट करना है। चाहे पहले टमाटो केचप लगा लीजिए। अब इस तो हमने यहाँ पर आलू का जो टिक्का बनाया था वेजी टिक्का वो डाल दिया, उस पर टमाटो केचप डाल दिया एक टीस्पून। अब इस पर जो है चीज़ जाएगा, चीज़ का एक स्लाइस। तो इसको जो सैंडविच को है, हम सैंडविच मेकर टोस्टर जो है उसमें हम ये करेंगे, बनाएंगे, तो बहुत अच्छे से ये जो है दो का चार पीस हो जाएगा, बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छे से सिकता है, और चारों तरफ का किनार भी बिल्कुल सील हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको, अगर नहीं है तो तवे पे सेक लीजिए, तवे पे भी बहुत अच्छा से सिक जाएगा। बस जो है रख के तवे पे एक ढक्कन से दबा के ढक दीजिए, उसके बाद थोड़ी देर के बाद सिम फ्लेम पे सेकना है ताकि अच्छे से ब्राउन हो। अब इस तरह से सारे सैंडविच के स्लाइस को हम रेडी कर लेंगे
हरी चटनी, टमाटो केचप और चीज स्लाइस और जो वेजी टिक्का है वो एक एक करके डालेंगे, सारा हम रेडी कर लेंगे जितना हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने सारे जो है स्लाइसेस को रेडी कर लिया है और इसका जो है बहुत ही लजीज और बहुत ही हेल्दी ये सैंडविच बनेगा और बहुत ही बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि इसमें चीज़ भी डाला हुआ है और सारी सब्जियां हैं। बच्चे कुछ भी नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि बहुत बारीक बारीक कटे हुए हैं और अच्छे से एकदम मिक्स हो गया है और फ्राई हो गया है, क्रंची भी हो गया क्योंकि इसमें पॉपी सीड डाला हुआ है। तो अभी हम प्री हीट के लिए छोड़ दिए हैं। ये बटर है, थोड़ा हम इसमें सारे स्लाइसेस पे थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर लेंगे अच्छे से ताकि थोड़ा और भी हेल्दी हो और थोड़ा और भी टेस्टी हो जाएगा। अब ये प्री हीट हो गया है हमारा ये सैंडविच मेकर, तो इसमें थोड़ा सा हम बटर लगा देंगे। ऐसे ही चिपकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें नॉन स्टिक वाला कोटेड है। तो चलिए अब इसमें डाल के हम जो है तब तक जब तक ये रेडी हो जाएगा तो ये ग्रीन खुद से चलिए। अब ये रेडी हो गया है, चलिए जी अब खोल के देखते हैं। देखिए कितना प्यारा सा रेडी हो गया हमारा सैंडविच। तो बस इसको निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए अब इसको जो है, इसमें तो हरी चटनी, टमाटो केचप सब कुछ गया हुआ है, बस ऐसे ही खा सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए, टिफ़िन में बच्चे ले जाएंगे और शाम के टाइम स्नैक्स के तौर पे कोई गेस्ट आए हो तो चाय के साथ है, आप टिक्का बना के रेडी करके रखा हुआ अगर है फ्रिज में बस निकाल के फटाफट सेक लीजिए। शाम पे किसी में किसी को चाय पे बुलाया है तो ये सैंडविच बना लीजिए। बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट में दे दीजिए सैंडविच हो। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के कैसे चीज़ एकदम मेल्ट हो गया है और बहुत अच्छा सा सैंडविच हमारा रेडी है। तो इस तरह से बनाइए, इसमें सारे तरह की सब्ज़ी चली गई और बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया है और बच्चे से शौक़ से खाएंगे सैंडविच। बच्चों को बहुत पसंद भी है, बहुत शौक़ से खाते हैं और सब्ज़ियाँ नॉर्मली बच्चों को इतना पसंद नहीं है। तो इस तरह से बना के बच्चों को खिलाइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस तरह से जो है वेजी चीज़ सैंडविच ज़रूर बना के ट्राई कीजिए।